इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है वो क्या है, वेरीफाई रॉलीज थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एट ऑन द इंटरवल माइनस फोर कॉमा टू। आपको एक फंक्शन दे रखा है एंड उसके लिए आपको रॉलीज थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो ध्यान से देखिए, रॉलीज थ्योरम के लिए तीन कंडीशंस आपके पास होनी चाहिए। पहला, जो गिवन फंक्शन है वो क्लोज्ड इंटरवल पर कंटिन्यूस होना चाहिए। दूसरा, वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तीसरा, आपके जो अपर जो इंटरवल दे रखा है उसके जो एक्सट्रीमिटीज हैं या फिर आउटर पॉइंट्स हैं उन पर फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो जरा देखिए कैसे। क्वेश्चन नंबर 28 में द गिवन फंक्शन इज क्या दे रखा है आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एट ऑन द इंटरवल माइनस फोर कॉमा टू। तो जरा देखिए, सबसे पहले आप देखें एफ एक्स क्योंकि एक पॉलिनोमियल है तो ये एक्स की हर वैल्यू के लिए क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। एंड एफ डैश एक्स भी हम निकाल देते हैं, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो टू एक्स प्लस टू। पहली कंडीशन लिखेंगे एफ एक्स बींग आ पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूस ऑन माइनस फोर कॉमा टू, इस पर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा आपका। देन उसके बाद सेकेंड है डिफरेंशिएबिलिटी। अबने इसका डेरिवेटिव किया, वैल्यू आई है 2x प्लस टू। एक्स में आप इस इंटरवल के बीच की कोई भी वैल्यू डाल दें, हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है। मतलब जो एफ एक्स है वो डेरिवेबल है या फिर डिफरेंशिएबल है ऑन दिस ओपन इंटरवल। सो एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन माइनस फोर कॉमा टू। ध्यान से लिखना है आपको, कंटिन्यूस होता है क्लोज्ड इंटरवल पर, डेरिवेबल होता है ओपन इंटरवल पर। थर्ड पॉइंट हम यहां पर निकाल लेते हैं एफ ऑफ माइनस फोर की वैल्यू। एफ ऑफ माइनस फोर की वैल्यू यहां रखेंगे तो माइनस फोर का स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस फोर इंटू टू हो जाएगा माइनस एट, एंड यहां माइनस एट है, 16 माइनस 16 इज जीरो। देन इसके बाद हम निकालते हैं एफ टू की वैल्यू। एफ टू की वैल्यू हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, एंड 2 टू जा 4 माइनस 8, ये भी हो गया जीरो। मीन्स एफ ऑफ माइनस 4 जो है वो बराबर है एफ ऑफ 2 के। फंक्शन की वैल्यू इन दोनों पॉइंट्स पर क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। मतलब रॉलीज थ्योरम की जो तीनों कंडीशंस है वो क्या हो गई हैं, सेटिस्फाई हो गई हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, हम इसको यहां से इरेज करने वाले हैं। तो देखिए, अब बोलेंगे आप ऑल दी कंडीशंस ऑफ रॉलीज थ्योरम आर वेरीफाइड, सो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट, सो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर एक सी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि एफ डैश सी जो है वो जीरो के बराबर रखना है। एफ डैश एक्स ये है, एफ डैश सी निकालेंगे तो जहां पर भी एक्स है वहां पर हम सी रख देंगे, तो टू सी प्लस टू। तो इस एफ डैश सी को जीरो के बराबर रखेंगे तो टू सी प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। इसको इस तरफ ले जाएंगे, 2c इज इक्वल टू माइनस टू, एंड c इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन टू, दैट इज माइनस वन। c इज इक्वल टू माइनस वन लाइज बिटवीन माइनस फोर टू टू। तो माइनस फोर और टू के बीच में c की वैल्यू लाई कर रही है, हैंस रॉलीज थ्योरम इज वेरीफाइड। अगर जो आपका c है वो उस ओपन इंटरवल में लाई करता है तो आप क्या बोलेंगे कि जो रॉलीज थ्योरम है वो क्या हो गई है, वेरीफाइड हो गई है। हेंस रॉलीज थ्योरम इज वेरीफाइड। सबसे पहले आपको क्या करना है, रिपीट द क्वेश्चन। आपको एफ एक्स को कंटिन्यूस दिखाना है उस क्लोज्ड इंटरवल में, देन उसके बाद ओपन इंटरवल में डेरिवेबल दिखाना है, और फिर आउटर पॉइंट्स पर उसकी वैल्यू निकालनी है। और जैसे ही आप आउटर पॉइंट्स पर उसकी वैल्यू निकाल लेंगे और वो बराबर आती है, फिर आप बोलेंगे ऑल द कंडीशंस ऑफ रॉलीज थ्योरम आर सेटिस्फाइड, सो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, एंड टू सी प्लस टू को जीरो के बराबर रख देंगे। और जो सी है वो माइनस फोर कॉमा टू में आता है, तो आप बोल देंगे कि हैंस द रॉलीज थ्योरम इज
verified.